गुजरात लो ड्रैगन फ्रूट को कमलम पेरु पेटेडं पै प्रजल्लो मिश्रम स्पंदन वस्तुंदी। कमलम पेरु पेटेडं तो कोंदरु हैपी गा फील अवुतुन्नारु। ड्रैगन फ्रूट अनगाने इन्नी रोजुलु चाइना फीलिंग वच्चेदनी कानी इप्पुडिका अला उंडदंटुन्नारु। मरिकोंदरेमो पेरुलो एमुंदनी कोट्टिपारेस्तुन्नारु। फ्रूट लो उंडे पोषकालनी तामु आस्वादिस्तामंटुन्नारु। पेरु एदैना कोनेवाल्लु कोंटारु अंटुन्नारु व्यापारस्तुलु। वो हमको लगा कि इतना विटामिन से भरपूर जो फ्रूट है उसका नाम ड्रैगन तो होना ही नहीं चाहिए। हम ऐसे भी घर पे डिस्कस कर रहे थे तो कमलम नाम हो गया है, अच्छी बात है। थोड़ा हिंदुस्तानी नाम लगता है, ड्रैगन चाइनीज नाम लगता है। ड्रैगन फ्रूट पुराना नाम है, वो ड्रैगन फ्रूट है, वो वही खरीदने आई हूँ। आज सुबह ही न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि इसका नाम कमलम रख दिया है अपने विजय रूपाणी साहब ने, तो ये बहुत अच्छा है कि अभी तक हम ये आउट ऑफ इंडिया के नाम से हम चला रहे थे, चाइना के नाम से हम चला रहे थे, और ये अपना संस्कृत नेम है तो वो बहुत ही अच्छा है कि अभी चलो। और अब इसकी खेती अभी इंडिया में ही हो रही है तो, और इसका इंडिया का कल्चर नेम है कमलम, तो वो रख दिया है तो वो सही में अपने लिए बहुत एक खुशी की बात है और मैं ये नाम से बहुत खुश हूँ। बाल कम बिकेगा, नाम पे बिकेगा। ड्रैगन जूना नाम है, नाम से कमलम नाम जो रखा है उससे बिकेगा कम। अच्छा, जो बाहर का जो इम्पोर्टेड है वो ड्रैगन के नाम से बिकता है, जिससे इंडिया का ड्रैगन जल्दी बिक रहा है। अच्छा, इम्पोर्टेड जो आता है ना वो ड्रैगन नाम से पहचाना जाता है, और जो पुरानी पब्लिक है पूरी इंडिया की पब्लिक ड्रैगन नाम से पहचानती है। अच्छा, ये नया नाम जो रखते है गुजरात सरकार जो रख रही है उससे चलन कम हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रूट तो फ्रूट के हिसाब से ही बिकेगा, चाहे उसको कमलम बोलो या ड्रैगन बोलो। मुझे लगता है कि शायद ये चाइना और इंडिया का जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी वजह से उसका नाम कमलम किया जा रहा है, तो हम हिंदुस्तानी हैं।